और यहाँ पे हमारी मैडम जिसने चालू कर दिया है खाने के लिए। अगर मार्केट में घूमूंगा तो शादी का पर्स खाली कर देगी। तो हम लोग पकड़ने आए ये वाली ट्रेन। प्लेटफॉर्म क्रमांक एक के किनारे से दूर खड़े रहिए। एक तेज गाड़ी जाने वाली है, कोई यात्री रेलवे लाइन पार ना करे। सो वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग दोस्तों। राइट नाउ आई एम एट पालघर स्टेशन अर्ली मॉर्निंग एट 4:52 AM। जा रहा हूँ वलसाड़ कुछ काम से, तो सोचा जाते थे अपना ये भी शूट कर लूँ, जाने में बोर हो जाऊँगा, इस बेटर के कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेगी, कैप्चर करते जाएंगे और अच्छा आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो अभी ट्रेन को बहुत टाइम है, 10-15 बाकी है, तो मैं सोचा कि आपको आपसे वेलकम कर लो। आपको मतलब मेरी ट्रेन मतलब लोकल ट्रेन है, ऐसे एक्सप्रेस ट्रेन का है ही नहीं ये सुबह सुबह के टाइम पे। तो अभी हम विरार भरूच शटल में जा रहे हैं, 5:02 का ट्रेन है, बैठे इधर, टिकट विकट नहीं लिया, टिकट ले लिया, बहुत भूख लगी सुबह सुबह, देखते कुछ खाएंगे ट्रेन में, तो कुछ खाएगी नहीं भाई, डायरेक्ट अपन खाएंगे वलसाड़ में आपड़ा देश में। हाँ मस्त हवा है, पुगी न त्या एकदम हारू नाश्ता करवानू, ढोकला फाफड़ा जलेबी एम तेम बधाए खावानू ने एन्जॉय करवानू। ठीक है तो जर्नी में मळशे तमे, अमे ट्रेन आवी जो पछी मळे। आई मुंबई स्टेशन या स्थानकांवर। तो फाइनली अपनी ट्रेन आ गई है भाई, इधर चाहिए इधर ट्रेन पूरी खाली है और ये गाड़ी इनके बाप की है, आराम से सोए। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had some... Finally we reached Valsad. Around 2 ghante ka journey tha. Aur bahut bhook bhi lagi hai. अभी टाइम हुआ है 7:24, हमने ट्रेन पकड़ा था 5:10 को, तो दो घंटा ढाई घंटे में पहुँचे और अच्छा था, वेदर भी अच्छा है यहाँ पे और बारिश नहीं है। कुछ जाएंगे कुछ खाएंगे यार, मतलब बहुत कसके भूख लगे हम लोग को, सादे को बहुत भूख लगी है, तो कुछ खाएंगे गुजरात का स्पेशल ढोकला फाफड़ा जलेबी, क्या बोलते हैं हंडवा, हंडवा बहुत डेंजरस नेम है, तो चलते हैं कुछ खाते हैं यार।
वलसाड स्टेशन एकदम नीट एंड क्लीन है एंड आप देख सकते हैं, मतलब एकदम प्री प्लान करके बनाया गया है पार्किंग से लेके तो ऑल पीछे बाइक पार्किंग है, वहाँ पे एक कार पार्किंग है, यहाँ पे अगर कोई पैसेंजर व्हीकल आती है तो यहाँ पे ड्रॉप पॉइंट है, उसको मालूम रहता है। ओवरऑल इस बहुत जबरदस्त बना है एकदम। हम लोग भूल गए कहाँ से बाहर निकलना है, तो पहली बार आ रहे हैं ना अपन, तो अपने को मालूम नहीं है, पूछ पूछ के निकलेंगे, जबान दिए जबान का यूज करेंगे और निकलेंगे आगे अपन। तो देख सकते हो बहुत मस्त बना है ये, तो पीछे एकदम प्री प्लान है और बहुत सारी जगह यहाँ पे अकोमोडेट किया गया है पार्किंग के लिए, तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ना ट्रैफिक है ना कुछ। स्टेशन एरिया में सिटी का अपने को आइडिया नहीं है, पहली बार वलसाड आए तो सिटी भी कैप्चर करेंगे। तो सुबह से चाय नहीं पिया था और चाय की चुस्की सादिका ने पहले ही चालू कर दिया, एकदम चुस्कुड़ी है उसको चाय का बहुत शौक है। एक्चुअली हम दोनों चाय लवर है ऐसा नहीं है, पर तलब ऐसी थी कि सादे का कंट्रोल नहीं कोई आया, उसे गरम गरम पी लिए तो भाई अपन भी चुस्की मार लेते। चीयर्स। आह मसालेदार भाई ना, एकदम मसाला है प्योर ना। तो चाय पी के हम लोग हो गए रिफ्रेश एकदम। चाय ऐसी मसालेदार थी ना कि पूरे बॉडी के सेंसेस खोल दिए उसने, और ये स्पेशल है गुजरात की चाय। यहाँ पे नाम है जलाराम, आगे मालूम नहीं मेरे को, जलाराम नहीं मालूम, जलाराम हाउस। और यहाँ पे हमारी मैडम जिसने चालू कर दिया खाने के लिए, तो उसके ख़त्म करने के पहले अपन पहुँचेंगे उधर और खाएंगे भाई। तो सादिका ने ऑर्डर किया है खमन और ये वाइट ढोकला, और ये वाइट ढोकला खमन एंड वाइट ढोकला विथ पुदीने की चटनी। तो भाई ये ऑर्डर ख़त्म करते और हमारे और भी काम है तो काम निपटाएंगे फिर आपसे संपर्क करेंगे। हाँ जी, तो वेलकम है आपका। अभी बजे है 11:30 बजने को है, हम लोग का काम हो गया है और अभी हम है सेम प्लेस वलसाड वेस्ट में, और बहुत ज़ोरदार भूख लगी क्योंकि सुबह का नाश्ता 7 बजे किया था, उसके बाद कुछ खाया नहीं था। तो सादे का ऑलरेडी होटल में एंटर कर चुकी है, ये उडुपी रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे कुछ खाएंगे, दिखा देता हूँ क्या क्या खाएंगे, फिर चलेंगे अपन अपने घर। ठीक है, मसाला पापड़ पहले मंगाया है। सो हम लोग ने मसाला डोसा, क्या बोला मैंने, मसाला डोसा एक्स्ट्रा चीज़ के साथ, एंड सादिका ने मंगाया है मेंदू वड़ा सांभर अलग से। यह है अभी का सेकेंड नाश्ता ब्रेकफास्ट। खाना अभी कब खाएंगे कहाँ खाएंगे अपडेट कर देंगे, अदरवाइज ब्लॉग किधर शुरू होता है किधर ख़त्म होता है आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये हमेशा की तरह चालू होगी स्टार्ट खाने में, हमेशा की तरह सुबह में भी मेरे पहला खमन ढोकला चालू किया था, अभी भी मसाला पापड़ चालू किया है, तो इसके पहले कि वो उसका ख़त्म होगी मेरा चालू करे, मैं अपना काम तमाम कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी अपन आप पहुँचे हैं एक ऐसी जगह वलसाड में ही है, और मुझे नहीं पता था वलसाड में ऐसी भी जगह है, और ये जगह है वलसाड का तीथल बीच, यहाँ पे हम आप पहुँचे। और सुबह से हम लोग ट्रैवल कर रहे, ट्रेन पकड़ी, चाय पिया, नाश्ता किया, सेकेंड नाश्ता किया, ऑटो पकड़ी और इधर है। और मैं आप लोग को पूछना भूल गया, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह अपन भी एकदम खैरियत से है। तो आइए आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ और हम देखते हैं यहाँ का बीच कैसे। अपने यहाँ के बीच तो अपन ने बहुत देख लिए, एक बार गुजरात का बीच देखते हैं। चलो
अभी अपन आ पहुंचे हैं वलसाड़ के बीच पे। इस बीच को बोलते हैं तीथल बीच। तो एक्चुअली क्या है, सीन ऐसा था, हम लोग का काम जल्दी हो गया, देन दूसरी बार नाश्ता भी किया, तो अभी बहुत सारा टाइम बाकी है ट्रेन को, मतलब अपने को घर पे ट्रेन है ही नहीं अभी अवेलेबल, ट्रेन के टाइम है, तो क्या करें वहाँ पे बैठे बैठे। अगर मार्केट में घूमूंगा तो शादी का पर्स खाली कर देगी, इस बेटर कि मैंने चूज़ किया कि इधर किधर कोई टूरिस्ट प्लेस है क्या। किसी एक बंदे को पूछा, लोकल वाले को, ही सेड के वी हैव तीथल बीच एंड सम माउंटेन्स एंड ऑल दिस थिंग्स। तो तीथल बीच के, अपन तो बीच के दीवाने भाई, तुमको तो मालूम है। तो आप पहुँचे तीथल बीच वलसाड़ का, और बहुत ब्यूटीफुल है, क्लीन नीट है एकदम। आज है वेनसडे, सो आज खुला है, और यहाँ पे कॉलेज स्कूल चालू हो गए भाई, अपने महाराष्ट्र में चालू नहीं है, तो यहाँ पे क्राउड भी अच्छा खासा है, बहुत सारे लव बर्ड्स भी आए हुए यहाँ पे, और हम भी लव बर्ड्स पहुँचे यहाँ पे यार मज़ा करने के लिए। तो शादी का सो हैप्पी इधर आके, अच्छा रहा, ठंडा ठंडा मौसम है और बारिश नहीं है, बहुत शुक्रगुजार हूँ बारिश नहीं है। तो आप जरा साइड सीन एंजॉय कीजिए, ओके। हम लोग आए तब समुद्र का पानी बहुत नीचे था, और ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा हमने यहाँ पे स्पेंड किया है, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया हम अपनी बात करते करते देखा, अरे पानी इतना ऊपर आ गया, मतलब हाई टाइड है यहाँ पे आज, और बहुत सुपर्ब लग रहा है। देखो आप, बहुत मस्त लग रहा है, हम लोग इधर बैठे इधर मस्त चिल मार रहे, आराम कर रहे, क्योंकि ट्रेन को बहुत टाइम है। वहाँ पे स्टेशन पे क्या बैठ के क्या करेंगे, कितना टाइम बैठेंगे, कितना ट्रेन देखते बैठेंगे, और अपने को भी कंटेंट चाहिए था भाई, तो कंटेंट के हिसाब से अपन भी पहुँचे थोड़ा इधर बीच पे, एंजॉय कर रहे हैं, चिल मार के बैठे, आराम सुकून कर रहे, एकदम रिलैक्स। अभी निकलना है घर के लिए, ऑलमोस्ट 1:10 हो गए, यहाँ पे आके बैठे थे हम कम से कम 1 से 1.5 घंटा बैठे यहाँ पे, एंड वी एंजॉयड लॉट, बिकॉज जो सुबह की थकान थी यहाँ पे थोड़ा आके रिलैक्स किया, चिल किया, नारियल पानी पिया, आराम किया। कोई प्लान नहीं था एक्चुअली ट्रैवल व्लॉग बनाने का, बस ऐसे ही, मतलब जब घर से निकले तो मैंने चलो इसका व्लॉग बना देते आज। तो बताना आपको ये मैं छोटा ट्रैवलिंग व्लॉग कैसा लगा आपको, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर देना, कमेंट कर देना, और कमेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ऑन माय दिस वीडियो, आप वीडियो देख रहे हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अपने कॉन्टैक्ट में शेयर कर देना, और अपने भाई को सपोर्ट कर देना, ताकि भाई ऐसे और ट्रैवलिंग व्लॉग्स, मोटो व्लॉग्स, और अलग अलग जगह एक्सप्लोर कर सकूँ और आप लोग को बता सकूँ। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।